मेरे देखने और सुनने वाले दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक बना रहे हैं खुराक। तीन चार किस्म के जो है वो चीज़ें होती हैं। एक होता है उसमें जो है गंदम, दूसरा होता है उसमें खजूर, और तीसरा होता है उसमें जो हमारे पहाड़ों में होता है वो एक फल होता है, उसका नाम है कटार्क। तो आज हम इन तीनों चीज़ों से जो है आप लोगों को जो है ये बना के दिखाएंगे खुराक। सबसे पहले जो है हम आग जलाएंगे, ये जो है गंदम है इसको जो है साफ़ करेंगे। अपने जो है उसमें ज़बान में इसको जो है हम छज कहते हैं। अच्छा, ये देखें मैंने जो है थोड़ा डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके जो है इसमें डालना पड़ता है। जब बर्तन हम आग पे रखेंगे तो ज़्यादा जो है जल ना जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता है इसमें। अभी ये हमारा जो है बर्तन है, अभी हम इसको जो है आग पे रखेंगे, क्योंकि ये आग जल चुका है। ये थोड़ा बर्तन जो है थोड़ा गर्म हो जाए तब तक ये जो है हम गंदम को जो है थोड़ा साफ़ करेंगे। अभी ये जो है थोड़ा कचरा जो है आगे निकल चुका है, अभी इनको जो है साफ़, अभी थोड़ा इस तरह यानी साफ़ करना है। इतना इतना करके जो है हमें जो है अभी बर्तन में हम डालेंगे। अभी बर्तन भी गर्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अभी इसको जो है घुमाना पड़ेगा, क्योंकि जल ना जाए। अभी ये कपड़ा है, अभी इस कपड़े को जो है हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे, फिर इस तरह हिलाएंगे ताकि जल ना जाए, ना अच्छे तरीके से जो है ये पक जाए, सुर्ख हो जाए। अच्छा, अभी ये जो है तैयार हो चुके हैं, सुर्ख हो चुके हैं। अभी इनको जो उतारना है गरम गरम। जो ही ये उतार दिया तो उसके बाद जो है हम जो है ये खजूर इसके ऊपर जो है गरम गरम डालना पड़ता है ना, ये एहतियात करना चाहिए। लेकिन ये उसका जो है फायदा है कि भाई गरम गरम जो है इनको मिक्स करना है। अच्छा जी, पहले जो है ये खजूर के लिए बनाया। अच्छा, अभी जो है कटार के लिए जो है गंदम जो है पका रहा हूँ, फिर वो उधर जो है मिक्स करके आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। अभी जो है ये साफ़ हो चुके हैं, अभी इसमें जो है मिक्स करेंगे ना। अच्छा जी, एक बात और कहना चाहता हूँ। ये अभी हमारा जो है खुराक बन चुका है। रही बात, ये हमारे पास जो है दो किस्म के जो है खजूर होते हैं, तो इसमें जो है एक जो है होता है ये दाने दाने वाला खुश्क खजूर, और इसमें तो ये नहीं पड़ता है ये चीज़, क्योंकि जो नरम खजूर होता है ना
तो ये जैसे कि ये खजूर है, नरम है, ये खजूर जैसे कि नरम है, ये खजूर इसमें जो है पड़ता है, इसलिए जो है अभी ये हमारा खुराक है। हम जो है अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने किसी करीबी रिश्तेदार को या किसी भी दोस्त को जो गहरा दोस्त होता है, तो ये बना के उसको जो है तोहफे के थ्रू जो है हम उसको जो है भेज देते हैं कि भाई ये आपके लिए, ये क्योंकि ये हमारा जो है खुराक है, ये रिवायती है, हमारे जो है घर का खुराक है। इसीलिए अभी जो मेरे बच्चे भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, अभी इनको जो है ये मैं जो है इनको जो है कहूँगा कि भाई आप लोगों, मैंने मेहनत की, आप लोगों ने मेरे साथ मेहनत की, इधर बैठा मेरे साथ, अभी जो है मैं इनको बोलूँगा कि भाई ये एक एक दाना जो है खाएं, जो है थोड़ा चेक करें। जानजेब तो ठीक है, पहले जो मैंने मेहनत की कम से कम उसका जो है थकावट तो दूर हो जाए। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी चीज़ बनी हुई है जो खुराक है, हम लोगों का बहुत ही मज़ा आ रहा है खाने में। तो अच्छा एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ, आप कहीं जाएं, पिकनिक पे जाएं, पहाड़ों में जाएं, किसी जगह में चले जाएं जहाँ पे आप लोगों को खाने के लिए कुछ भी ना मिले, तो ये वो चीज़ है, इसको 6 महीने तक आप रख सकते हो, 12 महीने तक भी रख सकते हो, कोई ये ख़राब नहीं होता है, 12 महीने तक आप लोग बिल्कुल जो है खा सकते हो। रही बात ये जो है कटार और दांकू, उनसे भी मैंने खाया, अभी इससे भी जो है खा के देखूँगा और अपने बच्चों को भी दूंगा। उसमें जो खजूर था उसमें मिठास था, इसमें जो मिठास नहीं है, तो ये भी ज़बरदस्त चीज़ है, खाने में मज़ा आ रहा है। माजिब मंगा ले एंगी दर तिखाओ। अच्छा तो अभी जो है इसको जो है हम कटार्क और दांकू कहते हैं, ठीक है, अभी इसको जो है हम कहते हैं हिलार दांकू, ठीक है। हमारे यहाँ ये इसका जो है फ़ायदा है, ये हमारे यहाँ जो औरतें होती थी पहले ज़माने में या अभी भी, तो उन लोगों को जब बच्चा पैदा होता था या बच्चा पेट में था, तो बच्चा पेट के दौरान यानी उसको जो है ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो है गर्म चीज़ है। अच्छा जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो है किसी किसी जो है बहन को जो है दूध नहीं होता है बच्चे के लिए, तो इसको जो है इस्तेमाल किया करते हैं, क्योंकि फिर उसको जो है उसी जो है बच्चे के लिए, उसके लिए जो है उसकी माँ का जो है दूध जो है बढ़ जाता है ना, इसीलिए यानी ये जो है हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो माँ का जो है वो दूध होता है बच्चे के लिए, वो तो एक कुदरती जो है नेमत होता है अल्लाह का। जो ये किसी जो है बाज़ार से या किसी और जगह से कोई और दूध खुश्क वगैरह इस तरह के लाते हैं, वो तो अच्छा नहीं होता उस बच्चे के लिए, मजबूरी के तहत वो जो है लेकर आते हैं। अगर ये खुराक आप लोगों को पसंद आया है तो आप मेहरबानी करके अपने जो है कमेंट में जो है हमें ज़रूर आगाह कर देना कि भाई ये चीज़ किस तरह है, हमें पसंद आया है या नहीं आया, अपने जो है ख्यालात का ज़रूर इजहार कर लेना। और इसके साथ अपने जो है भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे।